बड़ी भूल मुझे बख्शो, मैं अब ब्रह्म ज्ञान हासिल करना चाहता हूं। अब सभी को बताओ, उस क्षण भी इन्हें निराकार ईश्वर का ज्ञान दिया। हनुमान ने जिक्र किया तो शास्त्र श्री राम जी का भाग एक में उन्हें ईश्वर का ज्ञान देके उसका वर्णन है। उसमें योग वशिष्ठ है जिसका जिक्र दास कर रहा, योग वशिष्ठ में क्या लिखा, वशिष्ठ मुनि के माध्यम से जब प्रभु श्री राम ने इस निराकार ईश्वर को जाना उसका जिक्र उसमें। और बड़ी सुंदर पंक्ति है, पहली पंक्ति, निराकार से ही निराकार को ज्ञान होता है। जब नारद भक्ति सूत्र पढ़ लीजिए तो उसमें क्या लिखी है, प्रथम ऋचा, ऋचा कहा गया, उनको भी सूत्र के रूप में कहा गया कि निराकार से एकाकार होना ही भक्ति की प्रथम पौड़ी जैसा। एक अन्य बच्चे को भी ये समझ आ जाती है। हम एक साधारण सा उदाहरण लेके बात करना शुरू कर दें साथ संगत। मान लो मैं बहुत धनवान हूं, आपको पता फिल्म इंडस्ट्री में जिस स्टार का आजकल सिक्का चल रहा बाहुबली का, आपको पता सारे रिकॉर्ड, क्योंकि लेटेस्ट उदाहरण लेते हैं तो वो हीरो का हम एक स्टैचू, बहुत सुंदर सा स्टैचू बना के लें और अपनी बेटी के पास जिसकी उम्र शादी लायक हो प्रेम से कहिए, ये बड़ा विचारणीय विषय है। एक व्यक्ति के पास धन है, वो बाहुबली के पोस्टर और सिंगो का पोस्टर लगा के कह दे बेटी को, बेटी इसे अपना पति मान ले, प्रेम से कहिए, ये विचारणीय विषय, क्या वो बच्ची मान लेगी ये मेरा पति है, नहीं मानेगी। अब हमने उसका सोने का या प्लेटिनम, क्योंकि सेठ हूं बहुत में, मैंने वो स्टैचू बना लिया, बच्चे को कहने लगा बेटा ये अपना पति मान लो, तो क्या मानेगा पति। शास्त्र हिंदू संस्कृति में बड़ा सुंदर लिखा है कि मूरत के पीछे जो मूरत छुपा है उसे जानना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। मूर्ति में ईश्वर ऐसे निर्विकारी विषय का कोई विरोध नहीं, लेकिन मूर्ति ही ईश्वर है ये मानना ठीक नहीं है। इस भूल का शिकार कभी रावण हुआ, कभी हिरण्यकश्यप हुआ, न जाने कितने इसके शिकार हुए। इसी अभेदता को स्थापित करने के लिए निरंकारी मिशन आज जगह जगह जाकर गली कूचे में जाकर ये आवाज दे रहा है कि आओ रब दे दर्शन पालो संदेशा ये इंसानानो। ये नहीं कहा ये संदेश हिंदू को है, ये नहीं कहा कि ये संदेश मुस्लिम को है। यदि कुरान पढ़े शासक, मैंने जब कुरान प्रथम बार पढ़ी मैं हैरान हो गया कि ये बशर जब तू धरा पे जाएगा, ये शब्द नहीं लिखा, जब तू धरा पे आएगा तब मेरा रसूल तुम्हें पुकारेगा, मेरे रसूल की आवाज को यदि अनसुना कर देगा तो कयामत के दिन बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा स्पष्ट संदेश है। बशर कहते मानव को कि मानव जब तू इस मानव देह में धरा पे आएगा, इस जमीन पे आएगा, तो रसूल कहते नबी को, हम इसे सदगुरु कहते हिंदू संस्कृति में, ये तुम्हें पुकारेगा, इस पुकार को जो अनसुना कर देगा वो कयामत, कयामत एक ऐसा दिन जब इस आत्मा ने अमर पद की प्राप्ति करनी हो। आपने देखा होगा हिंदू संस्कृति में एक बड़ा अमूल्य श्लोक आता है, अस्तो मा सत्यगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मा अमृतगम्य। आपने देखा कि राहु के मन में ख्याल आया कि मैंने अमृत तत्व को प्राप्त करना है, वो तो सागर मंथन का तरीका है साथ से, वो पहलू और उस उदास नहीं जाएगा, लेकिन जो उसका सार तत्व है वो क्या था कि मृत्यु से मैंने अमर पद की प्राप्ति करनी है। प्रभु श्री राम को भी समझ आ गई, परिवर्तित हो रहा मेरी जिंदगी का, यदि सब परिवर्तनशील है तो मेरे अंदर जो अपरिवर्तित अविनाशी जो तत्व होगा, कोई ना कोई तत्व तो होगा, शास्त्र गवाही दे रहे हैं। यह आत्मा कैसे बदलती है, जिस तरह कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है। मैं कल गर्ग साहब जी के पास ठहरा तो जींस में था, अब देखो मैंने कपड़ा बदला, सुबह कुर्ता पजामा पहना, मैं थोड़ी बदला, कपड़े बदलते चले गए। ऐसी ही आत्मा साथ संगत ये देहों को बदलती चली जाती है। और इस तत्व को समझने के लिए मात्र व मात्र ठीक तरीका क्या होता है, निरंकारी सत्संग। आज जितना भी मानव परिवार आया वो बड़ी ठीक जगह, बट दास तो बड़े दावे से कहता, वो बेटी के साथ एक टूअर्स पे था, वाइफ कहने लगी आप खुले मंच में या तो एक भी निरंकारी नहीं है। उधर हम ऊना में एक आश्रम में गए तो घूमने का प्रोग्राम था, बहुत सारे मानव परिवार बैठे थे, तो जिस आश्रम में रहने वाले वो किसी और जगह सत्संग करने गए थे, तो सभी मानव परिवार कहने लगा कि हमारी यात्रा तो आज बेकार ही गई,
हम सत्संग सुनने आए थे तो हम सत्संग श्रवण नहीं कर पाए, तो मैंने कहा सत्संग सुनना चाहते आप सभी क्या? तो कहते हाँ भाई सब, हम तो सुनना चाहते। तो मैं कहा सत्संग हो सकता है उनकी अनुपस्थिति में, आप सभी बैठिए आओ सत्संग करते, आप पहले भजन सुनाइए फिर मैं सत्संग कराता हूँ। तो सत्संग तो वहां भी सत्संग का मर्म समझाया। दास ने कहा सत्संग दो शब्दों से बना है, आप सभी सहमत है क्योंकि इसी तरह बात करी? तो सभी कहने लगे हाँ महाराज हम सहमत हैं, दो शब्दों से बना। मैंने कहा बताओ बेटा कौन से शब्द हैं? कुछ यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चे थे, कुछ अलग अलग जगह के बच्चे थे वो, तो कहा कि भैया हमें तो लगता है एक सत शब्द है एक संग शब्द है। दास ने कहा संग को छोड़ देते हैं, सत शब्द के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो उन्होंने कहा भैया सच का मतलब होता है जो सत्य है। मैंने कहा देखो हम सब ये भी बैठे हैं हरी चर्चा कर रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं है सत्य? कहते हाँ भैया ये सत्य है। मैंने कहा ये जो सत्य है थोड़े क्षण बाद हम सब लौट जाएंगे, क्या ये फिर भी सत्य रहेगा? कहते भैया कैसी बात करते हो, फिर तो यही सत्य झूठ होगा। अभी दिन है, अभी मौसम साफ है, ये सत्य है इस क्षण, लेकिन पहले बारिश हो रही थी तो वो सत्य था। आपने देखा होगा निरंकारी बाबा की सोच अगम थी, शास्त्रों से भी ऊपर की सोच। क्या कहा कि दो तरह के सत्य हैं, एक परिवर्तनशील सत्य है एक अपरिवर्तनशील सत्य है। दासरे का ये सत्संग शब्द जो यहां इस्तेमाल किया गया है ये अपरिवर्तनशील सत्य के लिए किया गया है। हम सब इकट्ठे हैं, हम इसको संग मान लेते हैं सत्संग। असल में बेटा ये सत्संग नहीं है, ये कुछ जागृत पुरुषों का इकट्ठा तो हो सकता है। जैसे बुद्धा ने जब इस निराकार ईश्वर को सुजाता नाम से ये जाना, उन्होंने एक गीत गाया कि हृदय रूपी वीणा के तारों को इतना भी ना कसो कि वो टूट ही जाए, और इतना भी ढीला ना छोड़ो तो वो बिखर ही जाए। और सत्संग जब मैंने धम्मपद पढ़ा, एक ही पेज में जिक्र है उसका, तो उन्होंने आंखें खोली कौन गा रही है इतना सुंदर। अपनी ओर ध्यान दिया कि मैंने गुरु ने मुझे कहा कि 90 डेज भूखे रहना, 110 दिन भूखा रहा, लेकिन निराकार ईश्वर का वो दीदार नहीं हुआ। इसीलिए तो बाबा जी एक शेर कहते थे बड़ा प्रिय लगता, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। ददामी दिव्यम चक्षुम के, अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु देता हूं, वो जो एक पल ठहरना कान्हा के संग और लौटना कुछ और हो जाता। वो राधा के एक पल ठहरना, लेकिन राधा अद्भुत होके लौटी, लाखों लाखों लोगों को ब्रह्म ज्ञान की वो दीक्षा शिक्षा देके लौटी, लाखों लाखों लोगों को प्यास का कारण बने, इस निराकार ईश्वर को जाना जा सकता है। सबसे एक और विचारणीय विषय, आप देखिए हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हो इधर प्यास लगे, या विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को प्यास लगे, भूख इधर वाले को लगे उधर, भूख किसी भी व्यक्ति को लगे, धर्म जाति संप्रदाय के लोग को, किसी भी भाषा भाषी को भूख लगे, मिटेगी किससे भाई? रोटी से ही मिटेगी, खाने से मिटेगी। खाने का ढंग और हो सकता है, कई जगह ब्रेड बटर हो सकता वो खाना, कई सत्संग वो हमारे चपाती हो सकता, वो फूड का अलग अलग ढंग हो सकता, लेकिन मिटेगी कहां से? उसी से। प्यास किसी भी व्यक्ति को लगे मिटेगी तो पानी से भाई, चाहे उसको वाटर कह लो, चाहे एक्वा कह लो, चाहे आप आब कह लो, चाहे उसे पानी कह लो, चाहे जल कह लो, चाहे नीर कह लो, शब्दों से फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु से फर्क पड़ता। इसीलिए तो मिशन क्या कहता है, एक जगह बैठे परिवार में, वो इस्लाम को मानने वाले परिवार में बैठे, कहने लगे बेटा बातें तो तू बड़ी अच्छी बनाता। तो मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि उनके घर में आए, मैं कहा आज नबी आया आपके घर, पर नबी का स्वागत तो आपके इस्लाम के कुरान की आयतों के मुताबिक होना चाहिए, नबी का किस तरह आप सजदा करते हैं वो सजदा होना चाहिए। कहने लगे नहीं निर्मल जी मैं बुत परस्ती के खिलाफ हूं। मैंने कहा बुत का अर्थ होता स्टैचू, स्टैचू जिसमें प्राण नहीं होते हैं, ये लिखा आपके कुरान में, और कुरान की आयत तो मैंने निकाल के दी। आज टेब साथ करिए, मैंने कहा ये देखो ये बुत का अर्थ है, मैं बुत नहीं हूं, ना निरंकारी मिशन का जो गुरसिक ब्रह्म ज्ञानी है ज्ञान प्रचारक है सदगुरु माता, ये बुत नहीं है सत्संग, ये चलते फिरते जीवंत धर्म के वाहक हैं। कहने लगा बेटा कमाल कर दिया तूने, मैंने तो इसको सोचा ही नहीं था। सत्संग जब निराकार ईश्वर आता तो सोचो में वो समझ आने लगता जो सार तत्व लिखा होता है। और जब उनसे बात हुई
तो कहने लगा, निर्मल जी कहीं मैं भ्रमित तो नहीं होऊंगा, क्योंकि ये तो सरदार जी हैं, इनके माध्यम से जब मैं अल्लाह पाक का दीदार करूंगा, क्या मेरा इस्लाम धर्म से नाता तो नहीं टूटेगा? मैंने कहा, नहीं महाराज, नहीं टूटेगा। आप बल्कि इस अल्लाह पाक का दीदार करके एक मुकम्मल इस्लाम को मानने वाले मुसलमान बन जाएंगे। जिस तरह जब मैंने निराकार ईश्वर को जाना, तो हिंदू शब्द का अर्थ ही क्या होता कि जो हीन भावना होती है, जिसकी नष्ट हो जाती है, वही हिंदू होता। मेरे अंदर जो हीन भावना थी कि मैं श्रेष्ठ हूं, वो भावना ही तत्क्षण छूट गई मेरे अंदर से। क्योंकि जब मैंने इस निराकार ईश्वर को जाना, देखा और शास्त्रों के साथ जब इसका मिलान किया करा, तो मैं हैरान हो गया कि ये तो जड़ चेतन, अभी महापुरुषों ने जिक्र किया था परा और अपरा विद्या का, आपने देखा होगा अंगेरा ऋषि का पूरा वर्णन है, गीता में भी थोड़ा सा जिक्र है इसका साथ संगत। तो अपरा विद्या के बारे में तो हम बड़ी चिंतित रहते हैं। अब देखो गीता में क्या कहा गया, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें विज्ञान सहित दूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। इधर शौनक नाम का वो शिष्य अंगिरा से वही प्रश्न कर रहा, महापुरुषों ने बोल दिया, उसको नहीं दोहराएगा। साथ में जितने भी धर्म ग्रंथ उठा के देखिए, जब दास ने गीता का चौथा अध्याय पढ़ा, और कुछ समय बाद मेरे पास वो बच्चे गीता का संग्रह मिला, मैं पढ़ने लगा गणेश गीता। गणेश गीता का तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक वही कि मैं इतिहास बताता हूं, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, उसमें भी वही जिक्र है। गणेश गीता का तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक और श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय पहला श्लोक कि फिर विवस्त मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस सारे योगी जनों के माध्यम से ये ज्ञान का प्रवाह युगों तक चलता रहा। आज मैं वही ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन भी भ्रमित हो गया, गणेश ने जब ये ज्ञान दिया गणेश गीता में, तो उनका शिष्य भी भ्रमित होकर कह रहे हैं, गणेश झूठ काहे को बोलते, तुम मेरे साथ रहने वाले। अर्जुन ने भी सीधा सीधा कहा, तुम मेरे साथ रहने वाले और तुम कहते सूर्य, सूर्य तो लाखों लाखों वर्ष पहले आया धरा पे, ऐसा कैसे हो सकता? तब उन्हें याद दिलाया, आपने देखा होगा कि बाबा जी ने कुछ सालों पहले एक बात को बार बार दोहराया कि जो बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है ये मानव में, वो क्या सोचने लगे, तो उन्हें इंग्लिश शब्द का सहारा लिया था बाबा जी ने कि द बेसिक कंफ्यूजन बिटवीन दिस होल ह्यूमैनिटी ऑन इज ओनली ड्यू टू दैट कि वी आर थिंकिंग दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंस। इट्स नॉट ट्रू, बेसिकली वी आर द डिवाइन बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, बेसिक इज द डिविनिटी। इधर ये शास्त्र में इस बात को कोट कर रहे हैं। असल में ये सोचना ठीक नहीं है, हम सभी सोचते हैं कि हम मानव हैं और आध्यात्मिक हमारा अनुभव है, आध्यात्मिक जीव होना हमारा अनुभव है। असल में ये ठीक नहीं है, हम आध्यात्मिक जीव हैं, मानव जीवन का अनुभव है। अभी दास का अनुभव 40 वर्ष का, किसी बच्चे का 5-6 वर्ष का जिसने ज्ञान लिया, किसी जीवात्मा को ज्ञात हो सकता कि 60 वर्ष का, किसी का 100 वर्ष का अनुभव हो सकता इस मानव जन्म का। लेकिन आत्मा के बारे में क्या कहा आ गया, ये तो युगों से आ रही है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। आप हैरान होंगे जब गोरखनाथ के, आपको पता है जो सिद्ध परंपरा ये चली, ये जो तंत्र की परंपरा चली शासन, ये गुरु गोरखनाथ जी से चली, वो बड़ी रिद्धियां सिद्धि हासिल की। समर्थ गुरु रामदास का उधर से गुजरना हुआ, और जब समर्थ गुरु रामदास उधर से गुजरे शासनगत, तो उन्होंने वही चमत्कार जो करते थे वो करने लगे, तो उन्हें हंसते हुए कह दिया कि गोरखनाथ ठहर जा, शब्द गुरु के एक से रहते हैं, चाहे महात्मा बुद्ध ने अंगुलिमाल को कह दिया, और महापुरुष जिक्र कर रहे थे जब नीचे बैठे थे सत्संगत, तो उन्होंने कहा कि गोरखनाथ तेरी रिधियां सीधियां मुबारक है, अष्ट सिद्धि नव निधियों के बाहर को तुम मारण तारण उच्चाटन, इसका जिक्र तो गुरु गीता में किया गया, स्कंद पुराण का उत्तरखंड है 352 श्लोक आप पढ़ लीजिए, 273 से लेकर 289 नंबर तक 7 तरह के गुरुओं का जिक्र है, 6 तरह के बारे में ये लिखा है, 289 वर्षन पढ़ लें श्लोक का, कि लाखों लाखों गुरु हो सकते एक समय में, जो 6 तरह के गुरु हैं एक समय में लाखों लाखों हो सकते हैं, लेकिन समय का सत्य का देश आता, कोई भी जीव उनके समक्ष, और ये रामचरितमानस में आता है, कोई भी पापी से पापी जीवात्मा
सदगुरु के समक्ष खड़ी हो जाए, तत्क्षण इस ब्रह्म से उसकी अभेदता को स्थापित किया जाता है। शास्त्र ने जब उन्होंने पाया।